रख सकते हैं। रजनीश देखिए, हम मजबूरी से नहीं, हम मजबूती के साथ काम करते हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। और बड़ा असर तो उस दिन हुआ था जब शिक्षा मंत्री का बयान आता है, जब शिक्षा मंत्री बिहार के ये कहते हैं कि जी बिहार झारखंड ने जिस खबर को उठाया है, जिस कमियों को, जिस खामियों को दिखाया है, हम उस पर बात करेंगे। तमाम मंत्रियों के बयान आते हैं, तमाम नेताओं का ये कहना था कि आपने जिस तरीके से खबर को उठाया, और चैनल्स को भी इस खबर को उठाना चाहिए, और यही दिखाता है कि जी बिहार झारखंड मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जो समाज के प्रति प्रतिबद्धता है जी बिहार झारखंड की, जी मीडिया की, और इसको लेकर जिस तरीके से न सिर्फ सतही बल्कि गहन जांच पड़ताल के बाद उन मुद्दों को सामने में रखते हैं जिस जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं और जिसका सीधा सरोकार आम जन से है और वो प्रभावित हो रहे हैं, वैसी बातों को जी बिहार झारखंड ने बहुत ही शिद्दत के साथ उठाया है। और सीरीज में अभी तो ये PDS है, शिक्षा है, आगे और भी कई सारी जो योजनाएं हैं जिसको लेकर बोटल निकने से या समस्या है, उन बातों को भी जी बिहार झारखंड सामने ला रही है। और जाहिर तौर पे जो जन सरोकार की बातें हैं, जो आम जन की बातें हैं, जो कहीं अगर लैकिंग है या फिर सिस्टम में कहीं जो त्रुटि है जिसकी वजह से जिन्हें उनका हक है वो वाजिब नहीं मिल पा रहा है, उन बातों को बहुत ही पुख्ता जांच पड़ताल के साथ, प्रमाण के साथ सामने रखा गया था। कैमरे की नज़र से चीज़ों को दिखाया गया था कि किस तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, कहाँ पे किस तरीके से कमियाँ खामियाँ हैं। तो इसको नीति नियंताओं ने भी जो देखा है, उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ जहाँ पे जो कुछ समस्या है उस समय भी बोला गया था, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे लोग हों या फिर सरकार के मंत्री हों या संबंधित मंत्री हों, विभाग के हों, उन लोगों ने भी सीधे तौर पे कहा था कि इसकी जांच पड़ताल कराकर उचित और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इस कड़ी में अब जो बातें हैं, ना सिर्फ जिन बातों को दिखाया गया है बल्कि दूसरी तमाम सारी जो जन सरोकार से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को खंगाला जा रहा है। वहां पे जो कुछ कमियां खामियां हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, रजिस्टर की जांच की जा रही है, लाभुकों से मिलकर उनका फीडबैक लिया जा रहा है, और इसकी त्वरित रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन वो भेजी जानी है, और साथ ही साथ उस पर जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जो कुछ मानक है, जो कुछ देने हैं लोगों को, वो उस स्तर के मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है जितना मिलना है वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और कई जगहों पे चाहे वो विस्थापित हो गए हों उसका लाभ लिया जा रहा था, कई जगहों पे जो मृतक हैं उसका भी लाभ लिया जा रहा था। तो तमाम बिल्कुल राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश भी हमारे साथ जो है लगातार बने हुए हैं। राकेश देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और एक बार थोड़ा सा डिटेल में की पॉइंट्स में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्या कुछ कमियां आ रही थी, खामियां आ रही थी। सबसे पहली बात ये आ रही थी कि जो डीलर है वो अनाज कम देता है, अपने